अच्छा जी, अभी हम लोगों को ये अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि हम लोगों ने जो है वो एक नेटवर्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क है या नहीं। तो उसके अंदर हमें क्लस्टरिंग कोफिशिएंट चाहिए होता है, एवरेज पाथ लेंथ चाहिए होता है। एवरेज पाथ लेंथ जो है वो ट्रिवियल है, वो हर नोड से हर नोड तक हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेते हैं और उसे टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ से जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेयर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज पाथ लेंथ आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी भी चीज़ क्लस्टरिंग कोफिशिएंट थी। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट के हम लोगों ने दो तरीके देख लिए। एक लोकल क्लस्टरिंग कोफिशिएंट था जिसके अंदर हम लोग हर नोड का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल के और उसकी एवरेज ले लेते हैं, तमाम क्लस्टरिंग कोफिशिएंट्स की एवरेज ले लेते हैं। और दूसरा जो हमारे पास क्लस्टरिंग कोफिशिएंट था वो हमारे पास ग्लोबल क्लस्टरिंग कोफिशिएंट था। उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग रेशियो ले लेते हैं क्लोज ट्राइंगल्स का और टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल्स का। तो वो जितना रेशियो हाई होता है उतना हमारे पास क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो है वो हाई होगा। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर हम लोगों ने खुद से स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क जनरेट करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क जनरेट करने के आपको बहुत ज़्यादा मॉडल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मॉडल्स मिलेंगे। द अर्लीस्ट मॉडल यू वुड फाइंड इज प्रपोज बाय वॉट्स एंड स्टोगार्ट्स। वॉट्स और स्टोगार्ट्स ने एक बड़ा सिंपल सा मॉडल जो है वो प्रपोज किया बैक इन 1998। और इसके अंदर यह है कि आपके पास जो है यू स्टार्ट विद द लैटिस। लैटिस क्या होता है कि आपके पास एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप एक एक लैटिस से जो वो शुरू करते हैं, ये लैटिस आपके पास किस तरह है कि आपने एक नोड ली, ठीक है, और एक आप कह लें कि आपने एक एक रिंग ले लिया, एक एक काइंड ऑफ जो नंबर ऑफ नोड्स जितनी भी नोड्स हैं उन्हें आपने एक रिंग की फॉर्म में ले लिया। ज़रूरी नहीं आप रिंग की फॉर्म में ले, लेकिन रिंग की फॉर्म में उसे विजुलाइज करना जो है वो आसान है। अब आपने करना क्या है कि एक नोड को उसके नेबर से आपने कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स कि आपके पास ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इस नोड के जो नेबर्स हैं उनको भी आपस में आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो एक नोड अपने नेबर से भी कनेक्टेड होगी और उसका जो उसके जो नेबर्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होंगे। इससे इस नोड का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके दो नेबर्स हैं, ठीक है, और वो आपस में कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 होगा। इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इन दो नोड्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इनके जो नेबर्स हैं वो भी आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह फिर हम लोग ये काम करते जाते हैं तो हमारे पास जो नोड्स होते हैं उनके हम लोग नेबर्स को आपस में कनेक्ट करते जाते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी ये काम कर लेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो इस नोड के हमारे पास जो है वो कितने नेबर्स हैं, हमारे पास इस नोड के 4 नेबर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास जो है वो इस नोड का अगर हम लोग क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालें तो हमारे पास इसके बीच में कितने बन जाएंगे, हमारे पास इस नोड को अगर निकाल दें तो 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 1 3 आपस में कनेक्टेड है, और हमारे पास जो है वो 2 4 आपस में कनेक्टेड है। ये जो है हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया। इसके अंदर हम लोग अगर यहाँ पे भी देखें तो फ्रेंड्स के फ्रेंड से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, नोड से कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हमें 1 तो इस पर्टिकुलर केस में नहीं मिल रहा जब हम लोग लेटेस्ट को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन ये है कि हमें हाई क्लस्टरिंग कोफिशिएंट मिलेगा कि नेबर्स के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब हम लोग इस तरह एक एक लेटेस्ट से शुरू करते हैं जिसके अंदर एक हर नोड के नेबर्स जो हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और जो नेबर्स के नेबर्स हैं वो भी उस नोड से जो आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे इस नोड से। हमारे पास एक एक लैटिस आ जाता है और इसके अंदर वी वुड हैव अ हाई क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, ठीक है, हाई क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इस लैटिस को देखें तो इसके अंदर हमें जो पाथ लेंथ है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगी। जिस तरह फर्ज करें आपके पास एक नोड एक्स है और ये एक नोड वाई है। अब आपने एक्स से वाई तक पहुंचना है, आपको कितने हॉप, 1 2 3 4 5
फाइव हॉप्स चाहिए होंगे इस छोटे से नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हाई क्लस्टरिंग कॉफिशेंट होगा और हाई एवरेज पाथ लेंथ होगा, ठीक है, हाई एवरेज पाथ लेंथ होगा। अच्छा, अब जो स्मॉल वर्ल्ड है उसके अंदर हम लोग हाई क्लस्टरिंग कॉफिशेंट तो आपके पास रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास जो है वो लार्ज एवरेज पाथ लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर हमें पता है कि एवरेज पाथ लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, एवरेज पाथ लेंथ जो है वो हमारे पास कम होता है, ठीक है। तो ये जो पहली चीज़ है ये इसके अंदर डिजायर्ड है, लेकिन जो दूसरी चीज़ हमारे पास डिजायर्ड नहीं है कि एवरेज पाथ लेंथ हमारे पास कम होना चाहिए। तो एवरेज पाथ लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद सर्टन प्रोबेबिलिटी पी हम लोग जो है वो रीवायरिंग कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एज पकड़ा, ये पहले हमारे पास बी से ये एक वाई एक नोड थी, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। आपने क्या किया कि इस एज को रीवायर कर दिया, इसको यहाँ से उठा के किसी और जगह पे ले, ठीक है। इसी तरह आपने एक और एज पकड़ा, उसको जो है वो आपके पास ने भी ए और बी के दरमियान जो एज था उसको पकड़ के आपने रीवायर कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने एक और एज पकड़ा, उसको आपने रीवायर कर दिया। तो आप पी फ्रैक्शन ऑफ एजेस को जो है वो आप रीवायर कर देते हैं, या रीवायरिंग की प्रोबेबिलिटी है कि कितने परसेंट आप एजेस को जो है वो रीवायर कर देते हैं। अब इस रीवायरिंग से क्या होगा, अब लेट्स से अब आपने एक्स से वाई तक पहुंचना है, तो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्टेप से आप इधर आएंगे, दूसरे स्टेप से आप जो है वो इधर आएंगे, अब ये काइंड ऑफ शॉर्टकट बन गया ना, और तीसरे स्टेप से आप इधर पहुंच जाएंगे। तो अब आपके पास तीन हॉप्स के अंदर जो है वो आप एक्स से वाई तक पहुंच गए, ओरिजिनल एड्रेस के अंदर जो है वो पास फाइव हॉप्स थे जी। अच्छा जी, ओके, लेट मी स्विच माय नेटवर्क।